तो हेलो कोडर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम अपना माय फेसबुक वाला ऐप जो जेंगो के अंदर हम बना रहे थे उसे आगे लेके जाएंगे और इसमें थोड़े चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे यार, देखो जैसे यूजर क्रिएट अकाउंट बना कर रहा है, मतलब यूजर ने अकाउंट बना लिया है, तो हम भी उसमें उसे लॉग इन भी साथ में कर रहे हैं और लॉग इन करने के बाद उसे हम प्रोफाइल पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं। पर मैं नहीं चाहता कि यूजर प्रोफाइल पेज पे रिडायरेक्ट हो, यूजर प्रोफाइल अपलोड पेज पे रिडायरेक्ट हो। अब यार ये प्रोफाइल अपलोड पेज पे क्यों रिडायरेक्ट हो, मतलब देखो यार यूजर जब अकाउंट बना रहे हैं तो हम प्रोफाइल अपलोड पेज पे उसे रिडायरेक्ट करेंगे ना, क्योंकि वो अपनी अपनी कोई भी पिक अपनी डीपी जिससे हम कैसे प्रोफाइल पिक वो चूज कर पाए और कुछ बायो लिख पाए। तो इसलिए मुझे प्रोफाइल अपलोड पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ। वो जैसे वो प्रोफाइल अपलोड पेज पे सब कुछ कर देता है तो तभी मैं उसे क्या कहते हैं रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ किस पेज पे, अपने प्रोफाइल पेज पे। और वहां से मैं प्रोफाइल अपलोड वाले पेज से उसकी सभी की सभी जो भी उसने प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन दिया हमें, जो भी उसने डाला है, वो सभी का सभी यहाँ मैं प्रोफाइल के मॉडल के अंदर डालना चाहता हूँ। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये साइन अप पे रिडायरेक्ट मैं इसे करूंगा प्रोफाइल अपलोड पे, प्रोफाइल अपलोड पे। तो यहाँ यूआरएस पे जाते हैं अपने, देखते हैं नाम सेम दिया हुआ है हमने, अपलोड प्रोफाइल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से रिडायरेक्ट करेंगे अपलोड फाइल पे, सॉरी अपलोड प्रोफाइल पे। और इसे मैं अगर सेव करूँ और यहाँ मैं देखो एक बार रिफ्रेश करूँ तो हमारी वेबसाइट सही से चलनी चाहिए, अभी चल जाएगी क्योंकि कुछ ऐसा खास चेंज तो नहीं किया हमने। और यहाँ मैं क्रिएट अकाउंट पे जाऊँ तो यहाँ मैं लिखता हूँ tester3@gmail.com और यूजर नेम देता हूँ कुछ भी tester3 और पासवर्ड फर्स्ट नेम देता हूँ tester और लास्ट नेम देता हूँ 2 दे दिया और इससे पासवर्ड देता हूँ tester3। और अगर मैं साइन अप करूँ तो देखो हम अपलोड प्रोफाइल पेज पे आ रहे हैं। और मैं क्या चाहता हूँ, जैसे यूजर यहाँ कुछ भी अपना बायो लिख रहा है, जैसे मैं लिखता हूँ This is my bio और यहाँ चूज प्रोफाइल पे, अगर मैं चूज प्रोफाइल पे अपने कुछ भी डीपी लगाना चाहूँ, मतलब अपनी प्रोफाइल पिक लगाना चाहूँ, तो वो सभी के सभी ये मेरे डाटा पेज में हो जाए। तो इसे क्वेरी करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने प्रोफाइल मॉडल वाले पेज, प्रोफाइल अपलोड वाले पेज पे जाऊँगा और जहाँ हमारा फॉर्म है, जो हमने फॉर्म दिया हुआ है और वहाँ हमने बायो को नेम दिया हुआ है बायो और लेबल को फाइल दी हुई है फाइल। और यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ जो फॉर्म है उसमें एंक टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डाटा भी दिया हुआ है, मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट भी हमने पहले से दिया हुआ है और एक्शन भी इसका बताया हुआ है, ठीक है। तो होल में जाता हूँ, जैसे इसके ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट आया तब, तो मैं क्या करूँगा अपलोड फाइल पे जाऊँगा, जो हमारा अपलोड फाइल वाला है क्या व्यू, तो वहां मैं जाऊँगा देखो। और अब मैं क्या कहूँगा, जब यूजर ऑथेंटिकेटेड है तभी उसे ये रिटर्न करो क्या कहते हैं रेंडर, जो इसके अंदर मैं लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, नहीं जैसे अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है तभी उसे यहाँ करो और एज अगर नहीं है तो हम ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखो ये रिटर्न रिडायरेक्ट कर रहे हैं हम उसे ये। तो अब यहाँ पर ही मैं लिखूंगा यार, मैं लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट आता है, अगर अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट है, टैप पोस्ट है, अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट आता है तो क्या करो, हमारा जो प्रोफाइल अपलोड वाला पेज है उससे पहले यहाँ से ऊपर मॉडल्स में से कर लेते हैं इंपोर्ट, लिखूंगा फ्रॉम डॉट मॉडल इंपोर्ट कर लो प्रोफाइल, प्रोफाइल मॉडल। और यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ इफ रिक्वेस्ट और मैसेज इक्वल्स टू पोस्ट है और मैं क्या करूँगा यहाँ दूंगा बायो, बायो इक्वल्स टू क्या होगी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और ये नाम दूंगा इसे बायो और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, क्योंकि फाइल्स क्यों यार, क्योंकि वो इमेज आ रही है तभी मैं इस पर फाइल्स यूज करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ फाइल। तो जैसे ये चीजें हमारे पास आ जाती है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा प्रोफाइल अंडरस्कोर अपलोड इज इक्वल्स टू एक क्वेरी लिखूंगा यार प्रोफाइल मॉडल, प्रोफाइल मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स, जो प्रोफाइल मॉडल में ऑब्जेक्ट्स है डॉट प्रोफाइल मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, क्रिएट करो क्या करो बायो, पहले लिखूंगा प्रोफाइल क्या क्या हमने नाम दिए वो देख लेते हैं मॉडल्स में, एक तो हमने दिया है इमेज, तो इसे मैं कॉपी करूंगा, मैं कहूंगा इमेज इज इक्वल टू हो, इमेज इज इक्वल टू हो प्रोफाइल क्या हो यार बायो नहीं हो, वो हो यूजर प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक। तो यहाँ मैं कहूंगा इमेज हो हमारी प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक ये हो, और क्या हो जो हमारा बायो हो, जो यूजर भेज रहा है हमें बायो, तो वो हो बायो, सीधी बात, ठीक है। और इसे मैं ऐसे कर देता हूँ यूजर बायो नाम दे देता हूँ, जो
एक रीड करने पे भी अच्छा है और ये नाम नहीं एक बार मतलब कोलैप्स नहीं करेगा। तो यहाँ मैं दूंगा यूजर बायो, और अगर ये देने के बाद अगर मैं अपने मॉडल्स में चाहूँ, यहाँ मैंने ब्लैंक इक्वल्स टू 2 है, यहाँ भी ब्लैंक इक्वल्स टू नल इक्वल्स टू, और कौन से यूजर का है वो तो ठीक है। तो अभी यहाँ एक और बात यार मेन बात तो बोल के, ये कौन से यूजर का है, यूजर किस यूजर का हो सकता है यार, आप क्या यूजर सोच रहे थे यार, जिसने लॉगिन किया उसी यूजर का होगा ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ रिक्वेस्ट डॉट यूजर, अगर मैं कहूँ रिक्वेस्ट डॉट यूजर और यहाँ सब कुछ हो गया डॉट क्रिएट, और मैं कहूँगा इफ प्रोफाइल मॉडल, अगर ये प्रोफाइल अपलोड सक्सेसफुल रहा, मतलब ये बना देता है मतलब ट्रू हो गया है, तो क्या करो, पहले मैं इसे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, जैसे अगर नहीं रहने दो तो प्रिंट नहीं करता हूँ, मतलब मैं आपको सीधा यहाँ पर ही बता देता हूँ, क्योंकि यार प्रोफाइल तो बन जाएगी ना। तो यहाँ मैं कहता हूँ जैसे एक बार प्रोफाइल बन जाती है यूजर की, तो क्या करो रिटर्न कर दो उनको, कुछ रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, रीडायरेक्ट कर दो उनको प्रोफाइल पेज पे, ठीक है। पर अगर नहीं बनती, अगर नहीं बनती तो क्या करो, उन्हें रिटर्न करो HTTP रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न करो कि योर प्रोफाइल यहाँ कर दो एरर, और जैसे हम कहते हैं एरर, और प्लीज ट्राई अगेन लेटर, और ये कर दो, और इसे और अब ये शायद हमारा पूरा हो चुका है। तो अगर यहाँ मैं रिफ्रेश करूँ और अपलोड पोस्ट के बदले पहले इससे मैं अपलोड प्रोफाइल करता हूँ, इसके HTML के अंदर जाके जहाँ लिखा है अपलोड पोस्ट, यहाँ लिखूँ मैं अपलोड प्रोफाइल के बदले मैं करता हूँ यहाँ क्रिएट प्रोफाइल, क्रिएट प्रोफाइल, और यहाँ अब जाके मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो यहाँ आ गया क्रिएट प्रोफाइल। और अब मैं कुछ पाया देता हूँ कि टेस्टर क्या करूँ यार, मैं टेस्टर थ्री बायो और प्रोफाइल पिक देता हूँ कुछ भी, जैसे अपना ही लोगो दे देता हूँ जो मेरा है लोगो, और यहाँ इसे मैं ओपन करता हूँ। और अगर मैं पोस्ट करूँ तो ये देखो मतलब हमारी जो हम क्वेरी कर रहे थे वो सक्सेसफुल की, और इसने मुझे प्रोफाइल पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है। और हम देख लेते कि जो भी हमने क्वेरी की थी वो सक्सेसफुल थी या नहीं अपने एडमिन पैनल पे जाके। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, अपने लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पे आके स्लैश एडमिन पे जाऊँ, तो यहाँ मैं जाके एडमिन वाले से लॉगिन करता हूँ और देखता हूँ प्रोफाइल मॉडल में क्या वो आया है टेस्टर थ्री नाम से कुछ, मतलब उसके प्रोफाइल मॉडल में। तो यहाँ मैं लॉगिन करूँ और प्रोफाइल मॉडल्स पे जाऊँ और देखता हूँ, ये देखो एक ऑब्जेक्ट बना है टेस्टर थ्री नाम के यूजर का ऑब्जेक्ट बना है, किस यूजर का ऑब्जेक्ट है, टेस्टर थ्री के यूजर का ऑब्जेक्ट है, और इमेज इज इक्वल्स टू हमें यहाँ इमेज भी दिख रही है। अब यार ये इमेज नहीं दिख रही पूरी अच्छे से, क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि अगर हमने मीडिया फाइल्स के साथ काम करना होता है तो हमें मीडिया की सेटिंग्स भी करनी होती है, या अपने क्या कहते हैं, ये देखो प्रोफाइल पिक्स तो यहाँ आ गई है और शायद सेटिंगस में कुछ गड़बड़ होगी। तो ऐसे करते मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ अपने मेन प्रोजेक्ट की, और सेटिंग्स पे जाके देखता हूँ, मीडिया मैंने बताया हुआ है, देखो स्टैटिक फाइल्स बताई हुई है और मीडिया की मैंने सेटिंग्स नहीं की हुई, उसी कारण ये सब हो रहा है। अब यार ये मीडिया की सेटिंग्स हम अगली वीडियो में करेंगे, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यार सभी की सभी चीज़ें भी समझाऊंगा। तो अब आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।